मध्य प्रदेश में सियासी उबाल है और राजनीति में सरगर्मी भी तेज है। सूरज चढ़ा हुआ है लेकिन गर्मी का सितम भी अब परवान चढ़ने लगा है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और आप ये मेरे जस्ट पीछे देख रहे हैं मामा का घर, यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी हैं जिन्होंने उनके घर के बाहर मामा की प्याव खोल दी। यानी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का संकनाद भी है, सियासी पारे भी चढ़े हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी का जो सितम है सिलसिला शुरू हो चुका है और गर्मी को ध्यान में रखते हुए मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने भांजा भांजी और आम लोगों के लिए उनके 74 बंगले के बाहर प्याव खोल दी। आप देख सकते हैं बच्चियाँ हैं जो उनकी भांजियाँ भांजे, इनसे ही बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा भोपाल में रहती है? हाँ, भोपाल में इधर ही रहती है। तो ये प्याव कौन ने खोली है? मामा ने खोली है हमारे। अच्छा, मामा ने खोली है। हाँ। अच्छा, पानी आने के लिए? हाँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, ठंडा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। और आप भी? मामा जी ने प्याव खोली है? हाँ। अच्छा, ये आज ही से स्टार्ट हुआ? हाँ। तो आप देख सकते हैं बच्चे हैं। बेटा प्याव खुल गई है ना पानी के लिए? हाँ। मामा जी घर के बाहर? हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? हमको? अभी आए थे? हाँ, अभी आए हैं। घूमने के लिए आए थे तो यहाँ पे पानी देखा तो पीने लगे। प्याव है जिस तरह से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी हैं और ये आम लोग यहाँ से निकलते हैं 74 बंगले के, इस 74 बंगला है उनका और ये न्यू मार्केट से एमपी नगर के लिए रास्ता है और तमाम जो लोग आते हैं उनके लिए प्याव खोलती है। यानी कि मध्य प्रदेश में सियासी पारा भले ही चढ़ा हो और गर्मी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी 3 दिन के लिए बारिश का अनुमान लगाया है। मगर जिस तरह से गर्मी का जो माहौल है, गर्मी का जो सितम शुरू हो चुका है, सूरज परवान चढ़ने लगा है, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह ने लोगों के लिए और भांजा भांजियों के लिए मामा की प्याव खोल दी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर।